और इस वक्त बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर दे रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर से अरविंद केजरीवाल से पहले राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है। केजरीवाल से पूछताछ की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर होगी और जरूरत पड़ने पर यह रिकॉर्डिंग ईडी कोर्ट में दे सकती है। सीधा रुख कर रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, बताएं पूरी तफसील से जानकारी, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे पहले राउंड की जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। आज सुबह अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच हुई और मेडिकल जांच के बाद जो पहले राउंड की क्वेश्चनिंग है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि ईडी जो है वो करीब 12 बजे के बाद तक उनसे पूछताछ करेगी और फिर उनको 2 बजे के करीब कोर्ट में पेश करेगी। तो कोर्ट ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस को कहा गया है। दिल्ली पुलिस के साथ में ईडी की टीम कोर्ट जाएगी और करीब 2 बजे फिजिकल तौर पर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं जो ईडी के मुताबिक जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है, पूरी पूछताछ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, क्योंकि जो ईडी ऑफिस है ये सामने, यहाँ पर कुछ दिन पहले नए कैमरे लगे हैं जिनमें वीडियो के साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो ईडी पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग कोर्ट में सौंप पाए। क्योंकि हमने देखा था कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि ईडी ने संजय सिंह की पूछताछ की ऑडियो गायब कर दी है। इस पर ईडी ने कहा था कि जब संजय सिंह के साथ पूछताछ हुई थी उस वक्त उनके पास जो कैमरे लगे थे तब उनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा बाद में हुई है। तो पूरी पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर या कोई एलिगेशन लगने पर ईडी इस पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग जो है वो कोर्ट में सौंप पाए। तो अरविंद केजरीवाल से जो इस केस में जो जांच अधिकारी हैं कपिल राज, एडिशनल डायरेक्टर ईडी के हैं, वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूरे हालात पर जो है नज़र रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी मुख्यालय के अंदर बीआरएस नेता के कविता भी हैं, जो कि 7 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं और उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो क्या ईडी के कविता के सामने बिठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी? क्योंकि के कविता को साउथ की लिकर लॉबी का मास्टरमाइंड कहा गया है और ये भी कहा गया कि के कविता ने साउथ की लिकर लॉबी के जरिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए और इसके बदले दिल्ली की शराब पॉलिसी में उनको फायदा पहुंचाया गया। जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल की भूमिका की इस केस में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिनके बेसिस पर उनका नाम मास्टरमाइंड के तौर पर ईडी ने लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने अपने चार्जशीट में और जो रिमांड नोट है उसमें कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में रहने वाला विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग का हेड था, वो लगातार दिल्ली के तमाम शराब कारोबारियों के संपर्क में था और उनसे कहता था कि शराब पॉलिसी के बारे में उनकी लगातार अरविंद केजरीवाल से बात होती है। अरविंद केजरीवाल की फेस टाइम ऐप पर बात विजय नायर ने ही शराब कारोबारी और इंडो स्प्रिट कंपनी के मालिक समीर महेंद्रू से कराई थी। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर उनका बच्चा है, उनका ख्याल रखा जाए। राघव मगुंता, जो इस केस में आरोपी हैं और जो अब गवाह बन चुके हैं, राघव मगुंता ने भी अपनी पूछताछ में कहा था कि उनके पिता एमएसआर ने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में शराब कारोबार के बारे में बात की थी और तब अरविंद केजरीवाल ने उनके पिता से कहा था कि दिल्ली के शराब के कारोबार में उनका स्वागत है। वहीं इस मामले में जो सी अरविंद हैं, जो कि मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव रहे हैं, उन्होंने भी पूछताछ में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ एक मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग शराब पॉलिसी को लेकर हुई थी, जिसमें शराब का कारोबार जो है वो थोक कारोबारियों को देने के लिए कहा गया था। जी, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुनील फर्नांडिस भी है। सुनील जी, यहाँ पर आपने मुकेश को सुना, साफ तौर पर बता रहे हैं कि ईडी जो है उन्हें आरोपी भी बना सकती है, अभी तक आरोपी नहीं बनाया था। हालांकि जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें मुख्य साजिशकर्ता कॉन्स्पिरेटर बताया गया है। इस पूरे केस को आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि यहाँ पर पूरा एहतियात ईडी की तरफ से भी बरता जा रहा है। यहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जबकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा चुकी है। संजय सिंह से जब पूछताछ हुई थी तो उनके ऑडियो को गायब कर दिया गया था, ये आम आदमी पार्टी का आरोप था। आप बताएं इस पूरे केस में, क्योंकि ईडी पर सवाल कन्विक्शन रेट को लेकर भी उठते रहे हैं, किस तरह के सबूत पेश करने होंगे उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? अभी तो खैर इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी तो केवल शुरू हुई हुई है, और अगर अरविंद जी को उन्होंने अरेस्ट किया है इसका मतलब वो उनको आरोपी मान रहे हैं तभी उनको अरेस्ट किया है, नहीं तो उनको अरेस्ट करने की कोई संभावना थी नहीं। दूसरी बात, ये अगस्त 2022 को ईडी ने 22 अगस्त 2022 को ईडी ने ये केस रजिस्टर किया है और उनको 1.5 साल लग गए अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने में, और वो भी अरेस्ट उन्होंने तब किया जबकि
आगामी चुनाव हमारे सर पे हैं, तो ये जो है एकदम ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और ये सारी चीजें एकदम गलत ऑप्टिक्स दिखाती है टुवर्ड्स द ईडी। एंड एज फार एज ये जो जितने भी अभी सिंगर जी ने जो जो कहा, ये सारे तो ईडी के एलिगेशन है, ये इनके आरोप है। अब इनको एक ट्रायल में सिद्ध होना है कि क्या ये आरोप सही है, इनमें कोई तथ्य है कि ये आरोप बेबुनियाद है। अब ये ट्रायल जो है ये तो लंबा चलेगा, ये तो अभी तत्काल तो खत्म होना नहीं है, इसमें तो साल 2 साल मिनिमम चलेगा। तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ईडी के ये सारे आरोप हैं, ईडी के हर एक केस संगीन होता है, बट लेट्स सी अभी सुप्रीम कोर्ट और बाकी हमारे कोर्ट्स कैसे इन आरोपों को डील करते हैं।